फ्रेंड्स, वेलकम टू माय। आज हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे एक्सरसाइजेस टू रिकवर डायस्टेसिस रेक्टा। ये क्या चीज होता है? ऑल ऑफ यू, आप में से जो कोई भी मम्मी है, मतलब आपका लाइफ में कभी तो भी प्रेगनेंसी रह चुका है, आपने बच्चा डिलीवर कर चुके हो, तो 80% आपको डायस्टेसिस रेक्टा है। ये चीज क्या होता है? बेसिकली फ्लोटिंग रिप्स के लेके नीचे तक देयर इज वन लार्ज मसल, ऐसे पूरा मसल है जो आगे से लेके पीछे तक पूरा कवर करता है, उसका एक जो पार्ट है जिसको हम लोग कोर बेल्ट भी बोलते हैं। सो हम लोग कल्चरली कोर बेल्ट स्ट्रेंथनिंग का बहुत चर्चा होता है, बट बहुत सारे लड़कियां स्पेशली मम्मा बनने के बाद कंप्लेन करते हैं कि मैं जब भी एप्स कर रही हूँ या जब भी मैं कोर स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे पेट में अनबेरेबल दर्द हो रहा है। मैं जनरल कोई भी फिटनेस एक्सरसाइज करने के लिए जाती हूँ तो मुझे बैक पेन शुरू हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं देर इज अ डायस्टेसिस रेक्टा है जिसको हम लोगों ने अब तक रिपेयर नहीं किया है। अगर आप में से कोई भी मम्मा है जो ये वीडियो देख रहा है, तो आपको ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है, क्या आपको डायस्टेसिस रेक्टा है? अगर है तो कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना है। सो जाते हैं कि डायस्टेसिस रेक्टा होता क्या है। ये जो सारा पूरा मसल है, जैसे जैसे पेट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, स्ट्रेच होता है, तो बहुत बार इसका जो सेंटर हिस्सा है वो टियर ऑफ हो जाता है, मतलब फट जाता है। तो ये एक फर्म मसल है जो आगे आके फट गया है। फट गया तो बीच में गैप क्रिएट हो गया, बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, इट केम बैक टू नॉर्मल। काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज करके, टोनिंग करके, पिलाटेस करके, कोर स्ट्रेंथनिंग करके उसको फ्लैट भी कर देते हैं। तो फिर आपको एक डाउट रहेगा, श्रेय आपका तो पेट काफ़ी फ्लैट लग रहा है, मुझे दो बच्चे हैं, मेरी बड़ी वाली बच्ची अभी उसको 10वां साल लग जाएगा, छोटी वाली बच्ची को 7वां साल लग गया है, तो आपको तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आप तो काफ़ी एक्सरसाइज करते हो, पेट भी छोटा है, पतला है। नहीं, इवन आई हैव अ डायस्टेसिस रेक्टा है। जब भी मेरा डिलीवरी हुआ था तभी मुझे 2 उंगली का था, अभी मुझे 1 उंगली का ही है। तो चेक कैसे करेंगे देखते हैं। सब लोग को सोना है, पाँव को फोल्ड कर देना है, आपका नेवल को ढूंढना है। देखो ये मेरा नेवल है, नेवल के जस्ट ऊपर की तरफ आपको 2 उंगलियां ऐसे रखनी है, ओके? दबानी नहीं है, याद रखो, सिर्फ रखनी है 2 उंगलियां, नेवल के जस्ट ऊपर, दबाना नहीं है। और एप्स के लिए जैसे हम लोग ऊपर आते हैं वैसे ऊपर आना है, याद रखो, सामने नहीं देखना है तो आपको अंदाज नहीं आएगा, आपको ऊपर देखना है, चिन पैरेलल टू द स्काई और द सीलिंग, और ये जो 2 उंगलियां है, ओके, आई रिपीट द प्रोसेस, आपको नेवल के ऊपर ये 2 उंगलियां रखना है सॉफ्टली, और सीलिंग की तरफ देखते हो, ऊपर आ जाओ, फर्मली पकड़ के रखो, और देखो आपका कितना उंगली अंदर जाता है। सी, मेरी 2 उंगलियां अंदर नहीं जा रही है, कड़क हिस्सा लग रहा है, देयर इज अ सेंटर स्पेस जहां पे सॉफ्ट है और मेरी उंगली ज्यादा अंदर जा रही है, ओके? सो दैट्स द गैप बिटवीन माई दैट बिग मसल। तो मेरा ये 1 उंगली पूरा, जब मैं ऊपर आती हूँ तभी मेरे को साइड में जो फर्मनेस है वो उस सेंटर एरिया में नहीं है, कम फर्म है, मतलब मुझे उस एरिया के ऊपर काम करना है, ओके? ऑल ऑफ यू, ये हम लोग को क्यों करना चाहिए? स्पेशली मैं खुद इंडिया में रहती हूँ तो मैंने इंडिया में इसके बारे में बहुत कम चर्चा होते हुए सुना है। इनफैक्ट पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेस, पोस्ट डिलीवरी कोर स्ट्रेंथनिंग, ये भी अपने यहाँ पे कम होता है। समाओ हर मम्मा के दिल में पहला बात आता है, चलो अभी पेट कम करना है, तो पेट कम करने के लिए क्या एक्सरसाइज है? एप्स शुरू कर दो। आई हैव टोल्ड इट इन एन नंबर ऑफ वीडियोस, याद रखो पहले वेट लॉस या पेट कम करने के एक्सरसाइजेस नहीं करना है। अगर आप डिलीवरी कर चुके हो, कितने भी साल हुए हो आपका डिलीवरी होके, पहले स्ट्रेंथनिंग करना है, मतलब इस मसल का ताकत बढ़ाना है। जैसे इस केस में तो देर इज अ गैप, तो आपको उसका ताकत बढ़ाना है। फिर आपको टोनिंग करना है, तो टोनिंग के एक्सरसाइजेस करोगे, और फिर आपको वेट लॉस या एब्स रिडक्शन के एक्सरसाइजेस करोगे। सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग सडनली एप्स करोगे, बहुत पेट दुखेगा, और फिर बहुत बार गिव अप भी हो जाते हैं कि नहीं अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो डायस्टेसिस रेक्टा है, इसको रिपेयर करने के लिए क्या एक्सरसाइजेस है? तो कुछ एक्सरसाइजेस समझ लो, नेवल को सेंटर में रखो और साइड में से डायमंड बना दो अपने हाथ का, और समझो आपके नेवल को किसी ने रस्सी बांध के कोई पीछे उसको खींच रहा है, तो आपको ये नेवल का हिस्सा अंदर खींचना है।
सी मेरा ये सेंटर मेंबर खींच रही हूँ, प्रिफरेबली बात करते रहो या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 रिलीज। ऐसे जोर से नंबर गिनोगे तो भी चलेगा। एज अ ह्यूमन टेंडेंसी ऐसे होता है कि कुछ भी चीज अंदर खींचो तो हम लोग सांस को रोक लेते हैं। का ब्रीदिंग फ्री होना बहुत जरूरी है। ओके, वंस अगेन आई एम होल्डिंग इट। नेवल सेंटर में है, मैंने डायमंड बना दिया है, और नेवल को जैसे कोई रस्सी पीछे खींच रहा है वैसे खींचो। सुपर्ब। एंड काउंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इतना मस्त लगता है ये सारे मसल्स को, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, एक डाउट सबके दिल में आएगा, कितनी बार करना है। आइडियली ये वाला जो एक्सरसाइज है वो पूरे दिन करते रहो, किचन में करो, सिर्फ खाना खाते वक्त मत करना, और खाना खाने के बाद एक आधा पौने घंटे के लिए मत करना, बट बाकी पूरा टाइम आपको आपको अभी याद आया आपको दो बार करना पॉसिबल है कर दो, आपको दोपहर में सोने के लिए बेडरूम में जा रहे हो तभी करना पॉसिबल है तभी कर दो। बाय द वे, ये किचन में काम करते करते भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपको आदत नहीं हो जाता है तब तक हाथ लगा के, बिकॉज यूजुअली मगर आपको बोलूँ पेट को अंदर खींचो तो आप पूरा पेट अंदर खींच लोगे, जो नहीं करना है हम लोग को। ऐसा पकड़ के सिर्फ नेवल को रस्सी से, सी मेरा लोअर एब्डोमिन में नहीं खींच रही हूँ, थोड़ा सा खींचा जा रहा है बट इंटेंशनली सिर्फ नेवल के एरिया को मैं अंदर खींच रही हूँ, एंड दैट गोज परफेक्ट। सो ये जब ये आप लोग करोगे, यूजुअली ऐसा बोलते कि डायस्टेसिस रेक्टाय को रिपेयर होने के लिए मिनिमम से मिनिमम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो अगर आप ये कॉन्शियसली हर रोज करोगे, दिन में 4-5 बार भी हो जाए, 5 या 10 बार के सेट में, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज जिससे ये चीज रिपेयर होने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है, आपको सोना है, अगेन सेम चीज डायमंड बनाना है, नेवल को अंदर खींचना है, खींचा हुआ रख के दोनों हाथों के ऊपर जॉइन एंड लिफ्ट हिप्स अप। ये मैंने अंदर खींचा हुआ है, लुक एट दिस, और हिप्स ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। पेट को रिलैक्स कर दो, वापस नेवल को अंदर खींचो, हैंड्स जॉइन और उठाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स और नीचे रखो। याद रखो हाथ को ऊपर जॉइन करने के पीछे साइंस है, अदरवाइज आप लोग एक्स्ट्रा उठाओगे, इसमें चेस्ट को नहीं उठाना है, इसलिए हाथ को जॉइन करके ही आपको लिफ्ट करना है, ताकि आपको उस एरिया में तकलीफ नहीं होना चाहिए और वहीं पे इफेक्ट होना चाहिए जहाँ पे उसका जरूरत है। अगेन दिस एक्सरसाइज रिपीट लास्ट टाइम, नेवल को अंदर खींचो, हाथ जॉइन एंड लिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। याद रखो 1 to 10 काउंट्स लाउडली होना चाहिए, 10 सेकेंड का होल्ड ऐसे आपको 5 से 10 बार करना है एट वन टाइम, और ऐसे टोटल 5 बार पूरे दिन में, ठीक है। यूजुअली सारे एक्सरसाइज जो मैं दिखा रही हूँ उसको करने के लिए 10 मिनट भी नहीं लगता है। तो अगर आपको लगता है कि 5 बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉसिबल नहीं होगा, सुबह दोपहर शाम एटलीस्ट 3 बार कर दो, यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। सो आप कोई भी और एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे तो आपको इस एरिया में कभी तकलीफ नहीं होगा। थर्ड एक्सरसाइज, टोटल हम लोग 5 एक्सरसाइज सीख रहे हैं, उसमें से मैं भी थर्ड एक्सरसाइज सिखा रही हूँ। दोनों पाँव को ऊपर उठा लो, थाइज और स्टमक में 90 डिग्री एंगल, थाइज और काफ में 90 डिग्री एंगल, वापस नेवल को अंदर खींचो। इसमें ये एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, अंदर खींचो एंड लेफ्ट लेग को जमीन के पास लेके जाओ, फोल्डेड लेग, और वापस ऊपर लेके आओ। पेट अंदर खींचा हुआ है कि नहीं चेक करो, मेरा छूट गया है, वापस अंदर खींच लो एंड देन दूसरा पाँव ऊपर लेके आओ, रिलैक्स, वापस अंदर खींचो, रिलैक्स, खींचो एंड देन टेक इट अप। फोल्डेड लेग में सिर्फ जमीन के पास लेके जा रही हो, एंड देन अप, डाउन एंड देन अप, डाउन एंड देन अप, रिलैक्स। ओके, सेम हर पाव से 5-5 बार, दैट विल बी योर वन सेट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम लोग सीखते हैं कि इस चीज को। ओके, बाय द वे, बहुत सारे लोगों के दिल में क्वेश्चन आएगा कि ये चेक कभी करना है डिलीवरी के बाद। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो हार्डली 15-20 दिन बाद चेक करो, अगर सीजर है तो 40 डेज के बाद चेक करो, तो आपको पता चल जाएगा कि गैप कितना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वापस नेवल को अंदर खींचो और लेफ्ट लेग स्ट्रेट करना है जमीन के ऊपर, एंड देन अगेन फोल्ड,
पेट अंदर खींचा हुआ है, दूसरा पाव स्ट्रेट एंड देन फोल्ड, मैं जमीन के ऊपर नहीं घिस रही हूँ, रिलैक्स, वापस अंदर खींचो, हील स्ट्रेट एंड टेक इट क्लोजर एंड रिलैक्स, अगेन अंदर खींचो, अगर आप एट अ टाइम खींचे हुआ रख के दोनों पाव कर सकते हो दैट विल बी इवन बेटर, वापस दूसरा पाव एंड देन रिलैक्स, सुपर्ब। ये चार एक्सरसाइजेस हर रोज करो टू सी द रिजल्ट्स। याद रखो मम्माज लोग, अगर आप में से कोई एक बच्चे की मम्मा हो और अगर सेकेंड बच्चा प्लान कर रहे हो तो उसके बीच में इसका स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, अदरवाइज सेकेंड प्रेगनेंसी में वो और स्प्रेड हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी दो बच्चों की मम्मा हो, जस्ट चेक, इसका ऑलमोस्ट डायस्टेसिस रेक्टा है, तीन फिंगर का है, और उसका तो ये है कि बच्चे का लात भी गलती से लग जाता है, उसका बच्चा भी व्हाट एक साल के आसपास रहेगा, बच्चे का लात भी अगर लग जाता है तो शी हैव सीवियर स्टमक पेन और बैक पेन भी होता है उसको, और एप्स वगैरह करने का तो स्कोप ही नहीं है, ठीक है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आप लोग खड़े रह के भी कर सकते हो, आप लोग घुटने के ऊपर जाके भी कर सकते हो, मैं आपको घुटने के ऊपर जाके बता रही हूँ। रॉड, झाड़ू, डंडी, जो भी आपके घर में कुछ भी मिलता है आप लोग उसको यूज करके कर सकते हो। तो मैंने हाथ पीछे रखा हुआ है, याद रखो डायमंड, नेवल को अंदर खींचा है एंड यू टर्न, नेवल अंदर खींचा हुआ होना चाहिए, सेंटर एंड यू टर्न, नेवल अंदर खींचा हुआ होना चाहिए एंड रिलैक्स, वापस अंदर खींचो, टर्न, सेंटर, खींचा हुआ है कि नहीं चेक करो, एंड अदर साइड एंड सेंटर एंड रिलैक्स। इतना मस्त फीलिंग आता है, आई एम टेलिंग यू ऑल। बाय द वे, ये पेट कम करने के एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइजेस से पेट कम करने वाले एक्सरसाइज के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, सो ये हो गए डायस्टेसिस रेक्टाई के लेके पांच एक्सरसाइजेस, वापस एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। डायमंड रखो, नेवल को अंदर रस्सी से खींचो, होल्ड फॉर 1 to 10 एंड रिलैक्स, ऐसे पूरा दिन में जितनी बार पॉसिबल है करते रहो, ये एक एक्सरसाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स करो, बाकी के सारे एक्सरसाइजेस तीन बार किया तो भी चलेगा, हर बार पांच पांच बार मिनिमम करो। सोना है, पेट को अंदर खींचना है, हाथ ऊपर ज्वाइन करना और हिप्स को उठाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पाव 90 डिग्री में, स्टमक और थाइज में 90 डिग्री एंगल, थाइज और काफ में 90 डिग्री एंगल, पाव जमीन के पास जाएगा ऊपर आएगा, जमीन के पास जाएगा ऊपर आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पाव फोल्ड, पेट को अंदर खींचो और हील जमीन के ऊपर स्ट्रेट फोल्ड, हील जमीन के ऊपर स्ट्रेट एंड फोल्ड। एंड लास्ट एक्सरसाइज, रॉड को शोल्डर पे लेके पेट अंदर खींच के एंड टर्न। घुटने पे ही रुकने का कंपल्शन नहीं है, इनफैक्ट खड़े रह के आपको अगर और कंफर्टेबल लगता है तो आप लोग खड़े रह के करो, ओके, बिकॉज घुटने पे कभी कभी इतना 10 काउंट के लिए होल्ड कर पाना, बिकॉज ये बहुत फास्ट भी नहीं करना, वो होल्ड करके मैं स्लोली यू नीड टू डू एंड देन स्लोली यू नीड टू डू, तभी उसका रिजल्ट आएगा। ऑल ऑफ यू मम्मास, हमारे इस एरिया का हेल्थ हमको ही ख्याल रखना है, ये एरिया स्ट्रांग रहेगा तो ये भी एरिया स्ट्रांग रहेगा, और फिर आगे चल के आप कोई भी एक्सरसाइजेस करो आपको तकलीफ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये बहुत सारे लोगों के लिए एकदम नया कंसेप्ट है कि ऐसा कुछ भी होता है, बट यस मम्मास, ऐसा कुछ होता है और उसको हम लोगों ने रिपेयर करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार रिपेयर कर लो 6-7 हफ्ते कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज करके और फिर रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी को ये डाउट हो कि पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, अलाउड है, अनलेस लाइक आपको टू मच दर्द हो रहा है तो फिर मत करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ये एक्सरसाइजेस पीरियड्स में भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोग हो सकता है, इसके साथ क्या हम लोग हमारे रूटीन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, यस प्लीज करो, कोई प्रॉब्लम, आपके जिम, कार्डियो, जुम्बा, योगा जो भी कर रहे हो करो, सिर्फ वो एक्सरसाइजेस अवॉइड करो जो करते वक्त आपको दर्द हो रहा है और आप लोग फिर भी कर रहे हो। गिव योर सेल्फ गैप ऑफ 5 to 6 weeks, फिर उसके बाद आप लोग हैवी एप्स चालू करो, इसके साथ आपको माइल्ड एप्स करने हैं जिससे आपको तकलीफ नहीं हो रहा है तो वो शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लेट्स बिकम मोर हेल्दी, मोर स्ट्रॉन्गर मम्मास, हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर पक्का क्लिक करना, बेल आइकन को हिट करना ताकि हमारे सारे नए वीडियोस आप लोगों को नोटिफाई हो सके, एंड यस डू शेयर इट विथ अदर मदर्स।
अगर आप लोगों में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, वी ट्रेन कपल्स हुआ प्लानिंग फॉर बेबी, जो लोग प्रेग्नेंट है, जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ड्यू डेट के आसपास है, जस्ट नए पेरेंटिंग ट्रिक्स एंड विनिंग, यू कैन पुट इट इन कमेंट बॉक्स, विजिट अस ऑन www.mydwija.com. हम लोग लाइव सेशन लेते हैं पुणे मुंबई पिंपरी, और ऑनलाइन सेशंस लेते हैं फॉर कपल्स हु आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.